हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितल क्राफ्टी। आज हम बनाएंगे 3D सीनरी, वो भी ड्राई क्ले से। तो चलो शुरू करें। पहले हम लेंगे ब्लू कलर का ड्राई क्ले, उसे हमें थोड़ा सा वाइट भी मिक्स करना है सो ताकि हम वाटर इफेक्ट दे सके। अब हमें उसे सॉफ्टली मिक्स करना है वाइट को भी, और फिर वेव करना है सो वो वाटर की तरह दिखे। यस, आप देख सकते हो। अब हम देंगे डक का शेप, ताकि हम सीनरी में, आप देखते हो जब हम छोटे थे हम ज़्यादा करके, जब भी मैम बोलती थी सीनरी करने के लिए तो हम सीनरी ही बनाते थे, पर उसमें डक तो होता ही था। इस तरह से हमें वाइट क्ले से, ड्राई क्ले से बना देना है डक का शेप, और ग्लू को लगाकर अच्छी तरह से बीच में चिपका देना है। आप देख सकते हो ब्यूटीफुल शेप हो गया डक का। अब हम बनाएंगे उसका फेस डक के नेक के साथ। उसके लिए हम थोड़ा सा रोल करेंगे और फिर उसे भी गम लगाकर स्टिक कर देंगे। उसी तरह से फिर हमें एक और चीज़ करना है। सूखने से पहले हमें टिश्यू पेपर का छोटे छोटे पीस करने हैं, रेंडमली पीस। फिर हमें उसका स्टिक लेकर वाइट के जो बॉडी है डक का, उसके ऊपर हम अंदर डाल देंगे। उसकी वजह से ऐसा होगा कि टिश्यू पेपर पूरा अंदर चला जाएगा और एक डक का इफेक्ट मिल जाएगा। आप देख सकते हो जहाँ पे भी आपको डक का स्पेस मिलता है हमें वहाँ पे टिश्यू पेपर को लगा देना है। आप देख सकते हो वन बाय वन मैंने इस तरह से पूरे बॉडी को टिश्यू पेपर से फिलअप कर दिया है। मुझे जहाँ जहाँ जगह दिखी वहाँ पे मैंने सारी जगह पर, आप देख सकते हो मैंने टिश्यू पेपर लगा दिए। अब हम करेंगे बीक उसका, और रेड कलर का हम उससे करेंगे। हमें ये नीचे लगाना है इस तरह से, तो शेप और ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप देख सकते हो मैंने नीचे स्टिक कर दिया है बीक को। आप देख सकते हो हमारे सीनरी वाटर गड्ढा चल रहा है वैसे लग रहा है। कैसा लगा आपको? अब हम बनाएंगे उसका ऊपर लीफ और सब कुछ। 3 days है ना फॉर्म के, तो 3 days है हमें इसके लिए। उसके लिए हमें चाहिए डॉम्स का, हम स्केच पेन लेंगे। फिर हमें लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन स्केच पेन लेंगे। ये मैंने यूज़ किया है वाटर कलर स्केच पेन डॉम्स के। आप चाहिए तो नॉर्मल स्केच पेन भी यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो अब हम उस पर हैंगिंग लीफ कर देंगे। आप देख सकते हो पतली पतली लाइन की तरह मैंने ग्रास की तरह कर दिया है। उसी तरह से मैं हम अब लाइट स्केच पेन से भी लाइनिंग्स कर देंगे। आप चाहिए तो 3 कलर भी यूज़ कर सकते हो इस
उसमें येलो रेंडमली यूज़ करके, पर मैंने येलो क्ले लीफ के लिए यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए मैंने लीफ के लिए स्टिक के लिए नहीं किया है। देखो हमें इस तरह से पहले सर्कल को दबाकर फिर लीफ का शेप दे देना है। और ग्रीन कलर का भी मैंने लिया है, आप देख सकते हो येलो रेंडमली प्लेस पर हम चिपका देंगे, और ग्रीन को भी आप देख सकते हो, है ना, ब्यूटीफुल सीनरी। इस तरह से फिर हम क्या करके लीव्स की तरह शेप देने के लिए हम बीच में स्टिक का लाइन कर दीजिए, उसकी वजह से दोनों बाजू से एम्बोज हो जाएगा। आप देख सकते हो लग रहा है ना बिल्कुल लीफ की तरह। इस तरह से हमें सारी लीफ को बीच में प्रेस कर देना है ताकि वो लीफ का इफेक्ट आ जाए। और ये हमारा हो गया ब्यूटीफुल 3D सीनरी रेडी। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर ज़रूर करना। बाय।